सम्मानित मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जय भारत। साथियों, कैसे एक चौहान वंश बीरभर वंश के खिलाफ तुगलक वंश का साथ देकर खानजादा बन गया, इस विषय पर हम आपके बीच कुछ तथ्य प्रमाण के साथ रखने जा रहे हैं। उसके पहले सूचना है कि हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस किसी की भावना को चोट पहुंचे उस उद्देश्य से वीडियो नहीं बनाता है, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर अंधकारमय इतिहास को सामने लाने का प्रयास करता है। साथियों, आप देख रहे हैं हिस्टोरी ऑफ मेवाड़ या हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। डॉक्टर अजीज अहमद इसके लेखक हैं, आप पुस्तक का नाम देख लीजिए। अब हम आगे आपको दिखाते हैं। साथियों, इसका पेज नंबर 117 से शुरू हो रही है स्टोरी और अंतिम लाइन ऊपर सब इसमें विवरण दिया हुआ है, तैमूर शाह से लेके तुगलक वंश तक का। उसके बाद जो शुरू होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर, उसी का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बहादुर नाहर के बारे में कहा जाता है कि राजा झामू सिंह चौहान, किसके, बहादुर नाहर के बारे में। अभी राजा झामू सिंह चौहान पेज नंबर 118, पेज नंबर 118 का हिंदी मैंने ट्रांसलेट किया है। आप देख रहे हैं पेज नंबर 118, राजा बहादुर नाहर खान। अब ये कौन है पहले वह हम जानते हैं। जो बहादुर नाहर का ससुर था, कौन, झामू सिंह चौहान, उससे शत्रुता रखता था। अब क्यों रखता था, क्योंकि उसने अपना धर्म त्याग दिया था। कौन, बहादुर नाहर खान, उसने अपने धर्म को त्याग दिया था, वह मुसलमान बन गया था या मुस्लिम बन गया था। क्यों बना था, उसका कारण आगे हम जानेंगे। एक समय जब बहादुर नाहर झामू सिंह का मेहमान था, तो उसने रात को सोते समय बहादुर नाहर की हत्या कर दी। तिजारा के अलाउद्दीन बहादुर नाहर के पुत्र अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर जो है झामू बास पहुंचे और राजा झामू सिंह उनके परिवार को मार डाला। यानी उसके लड़कों को जब यह पता चली खबर, तो क्या किया, उसने अपने नाना को और उनके पूरे परिवार को उसने मार डाला। वह बहादुर नाहर के शव को कोटिला ले आए और मस्जिद के परिसर में दफना दिया गया। अब साथियों, ये बहादुर नाहर, ये उसके आगे डिटेल बताते हुए उनके यहाँ पे 9 पुत्रों का विवरण दिया हुआ है। देखिए आगे, उसे एक अपना धर्म परिवर्तन करने का क्या फायदा मिलता है, यह सबसे बड़ी बात है। और साथियों, इसे कोई इस तरह से न समझे कि हमने किसी चौहान वंश के खिलाफ हमने वीडियो बनाया है, बल्कि यहाँ पे देखिए उनके जो ससुर थे, देखिए वह उससे शत्रुता रखते थे, उनको सत सत नमन है, क्योंकि उन्होंने, वो उनसे इसलिए नाराज थे कि उसने अपने धर्म परिवर्तन किया था। जिस मुस्लिम आतंकवादियों ने, आक्रांताओं ने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा का पतन किया और उसी से जाके मिलके धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो इसलिए नाराज थे, तो इनको सत नमन है। अब ये क्यों धर्म परिवर्तन किया, यह मुद्दे की बात है। और उसे परिवर्तन करने के बाद क्या इनाम मिलता है, देखिए उसके जो लड़के हैं 9, ये बहादुर नाहर खान के, ये 9 के 9 देखिए एक बढ़िया शासन करते हैं। आप देख रहे हैं बहादुर खान अलवर, मोहम्मद खान रेवाड़ी, फतेह खान कलिंजर और मलिक अलाउद्दीन टियरा, फिर आप देख रहे हैं सहाब खान जो है पहरी, मलिक जो है अरुद खान इंदौर, मलिक सिराज खान सोना, मलिक नूर खान नूह और निजाम खान जो है मंडी खेरा, ये इसके 9 पुत्र जो अलग अलग जगहों पे पूरी तरह से ये शासन करते हैं। और सिर्फ किस लिए, यही महत्वपूर्ण है साथियों। अब आइए हम समझते हैं पेज नंबर 119
पेज नंबर 119 आप देख रहे हैं स्टोरिया मेवात। अब यहां पे जो कहा गया इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। देखिए मोहम्मदाबाद के राजा परिवार शेख सिद्दीकी हैं, लेकिन उन्हें आम तौर पर क्या कहा जाता है, खानजादा। खानजादा कहा जाता है। अब क्यों खानजादा कहा जाता है, क्योंकि किसी सुदूर काल में खान की उपाधि उनके पूर्वजों में से एक को दी गई थी। परिवार के संस्थापक शेख नाथू थे, जो लगभग 1360 ईस्वी में कार्यरत थे। कहां 1360 में दिल्ली में जो तुगलक वंश था उसके यहां ये जो है एक अधिकारी के रूप में थे। और दिल्ली के राजा द्वारा भरों के विरुद्ध, देखिए मैंने यहां पे एरो मारा है, आप देख रहे हैं बकायदे ये भरों के विरुद्ध। अब कौन, दिल्ली शासक जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं सारे ने भरों के विरुद्ध या भारसियों के विरुद्ध या राजभरों के विरुद्ध, तीनों एक ही हैं के खिलाफ। क्यों सवाल है साथियों, क्यों? क्योंकि जो ये भारसियों थे ये पूरी तरह से इस्लामिक आतंकियों आक्रांताओं के दुश्मन थे, इनका ये विरोध करते थे। और इसकी कड़ी जुड़ती है 1034 महाराजा सुहेल देव और सैयद सलार के युद्ध की वजह। साथियों आगे हम इसकी वजह को जब हमने कहा है बताएंगे, तब तक इस चीजों को समझना जरूरी है। अब भरों के विरुद्ध उनकी सेवाओं के लिए उन्हें फतेहपुर में बड़ी संपदाएं देकर पुरस्कृत किया गया। किसको, यही जो धर्म परिवर्तन किया था, कब किया था ये देखिए, यह भरों के विरुद्ध युद्ध लड़ने दिल्ली सरकार की सेना में शामिल होकर उनके खिलाफ भरों के खिलाफ लड़ने और उसके बदले में उसे पुरस्कृत किया गया और उसे उसने अपना धर्म परिवर्तन किया, तब उसे क्या कहा गया, खानजादा। खानजादा का मतलब मैं कहता हूं हराम जादा। अब आपको बुरा लगे तो लगे, ये हराम जादे से कम तो है नहीं, खानजादे लोग कोई भी हो किसी भी वंश का हो ऐसे लोग हराम जादे ही हैं। सर रूपर लेथ ब्रिज ने नाथू नाम दिया है, जो वास्तव में नाहर बहादुर नाहर खान है। और बहादुर नाहर खान 1360 से लेके 1400 का काल भी वही है जो सर रोपर ने बताया है। अब आगे राजा बहादुर खान का फिर आगे यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। अब साथियों हम चलते हैं, देखिए आप द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, यही सर रोपर जो है ये उन्होंने ही लिखा है और सारे तालुकेदारों का इसमें बहुत व्यवस्थित जो है विवरण दिया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पेज नंबर, आप भी पढ़ सकते हैं द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया 331। यहाँ पे देखिए आप मोहम्मद आमिर हसन खान सर के सी आई ई, मतलब एक ब्रिटिश हुकूमत में ये एक रसूख रखते थे। अब इनका जन्म कब हुआ और इनके परिवार की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है यहाँ पे बकायदे उन्होंने दिया है। और अब देखिए इसी का हिंदी ट्रांसलेट हमने किया है, आप देख रहे हैं हमने एरो मारा है। परिवार शेख सिद्दीकी है, लेकिन उन्हें आमतौर पर खानजादा कहा जाता है। जैसा मैंने पीछे बताया सेम टू सेम वही बात इन्होंने यहाँ कही है और हिस्टोरी या हिस्ट्री ऑफ मेवात के लेखक ने इसी संदर्भ को वहाँ दिया हुआ है जो उनका सटीक काल बैठता है। अब साथियों आपको क्या लगता है, इन भारसी भर वंशी राजभर वीरों का इतिहास पढ़ना या पढ़ाना चाहिए जिन्होंने इस्लामित आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ी और अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। साथियों अगर यह भी मान लिया जाए, अगर जितने भी भारसी वंश के जो आज बचे हुए लोग हैं, अगर इनके लोगों ने ही आत्मसमर्पण या मुस्लिम आतंकियों से समझौता किया होता तो आज कौन होता सत्ता पे। लेकिन साथियों इन्होंने ऐसा नहीं किया,
क्यों अपनी मातृभूमि के लिए ये इस्लामियों से इस्लामिक आतंकियों और आक्रांताओं से कोई समझौता नहीं किया, महाराजा सुहेलदेव के सिद्धांतों पर इन्होंने चलते ही रहे, परिणाम चाहे जो भी इनको भुगतना पड़ा। अब या उन गद्दारों का जिन्होंने चंद जमीन के लिए अपना ईमान धर्म मातृभूमि को भी धोखा दिया। क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, क्या अपने देश अपने प्रदेश का इतिहास आप क्या जान रहे हैं? वीरों के सम्मान में कम से कम शेयर करें ताकि दुनिया के सामने अंधकार में इतिहास बाहर आ सके। फैसला और निर्णय आपको करना है, सम्मान या अपमान। जय भारत, जय शिव शक्ति। सम्मानित साथियों, आइए हम एक सच्चे इतिहास को जानें जो आज भी अंधकार में है। और बहुत सारा चीज है साथियों, इसमें सिर्फ एक भर शब्द कहकर कि भरों के खिलाफ, वो भर राजा कौन थे, उनका कहाँ पे शासन था, सारी चीजों को जानबूझ के मुस्लिम लेखकों ने छिपा दिया गया है, क्योंकि इनका इतिहास स्वर्णिम न बनने पाए। और हमारे देश के लोगों ने भी इसमें कोई कंजूसी नहीं की है, सुख अंग्रेजों का, कम से कम अंग्रेज आए, आज हम आप सब जान रहे हैं। फिर से आपको जय भारत, जय शिव शक्ति। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपने विचार करिए। आगे ऐसे और जानकारियां मैं आपके बीच के लेके आता रहूंगा। नमस्ते भारत, जय शिव शक्ति।